शुक्रवार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पहुंचे। मौका था डिजिटल अपराध और फॉरेंसिक में उभरते नए आयामों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का। वहीं कार्यक्रम के समापन अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के एनएसयूआई और एसएफआई छात्र संगठनों के सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा परिणामों की खामियों के विरुद्ध ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को ज्ञापन सौंपा। वहीं त्वरित कार्रवाई करने की भी मांग की। विश्वविद्यालय की अगर हम हालत देखें तो जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण जो हमने एनालाइज भी किया चीज़ों को, विश्वविद्यालय के अंदर क्या है, स्थायी वीसी नहीं है। इसलिए हमने सबसे पहली डिमांड ये उठाई है कि विश्वविद्यालय के लिए जल्द से जल्द जो स्थायी वीसी है उसको रिक्रूट किया जाए। दूसरा, इसमें जो जितनी भी इरेगुलरिटीज़ हैं, चाहे वो आप ईआरपी के अंदर देखें, ईआरपी के इतने खस्ता हाल हैं कि उस खस्ता हाल के चलते हमारे जो अभी के रिजल्ट निकले हैं यूजी के, उन रिजल्ट के बहुत बुरे हाल हैं, और उसका सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो हमारे जो ऑनलाइन पेपर चेकिंग हो रही है, जो ईआरपी के अंदर जितनी भी ऑनलाइन स्कैनिंग करते हुए जो पेपरों को चेक किया जा रहा है, उसकी वजह से सारी की सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिसके चलते जो बहुत से स्टूडेंट ने क्या है सुसाइड भी कमिट किए हैं। इसके अंदर जो हमारी और एक जो महत्वपूर्ण मांग है कि हमारे विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, लेकिन जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो लगभग 1000 से 1200 स्टूडेंट को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे आए दिन जो राजनेता आते हैं और यहाँ पे शिलापट्टियाँ लगा के चले जाते हैं, लेकिन अगर हम हॉस्टल निर्माण की बात करें तो अभी तक भी जो हॉस्टल निर्माण का कार्य जो शुरू नहीं हुआ है। हॉस्टल की डिमार्केशन के लिए पैसा काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन उस पैसे को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ से ये मांग कर रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को हॉस्टल की फैसिलिटी जो है यहाँ पे दी जानी चाहिए। हमने आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं प्रदेश के हजारों लाखों छात्र जो हैं प्रभावित हुए हैं, चाहे वो यूजी परीक्षाओं से रिलेटेड समस्याएं हों या कुछ और हों, इनके रिलेटेड जो है माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत करवाया हुआ। इसमें सबसे पहले हमने बात की है कि जो यूजी का रिजल्ट आया है बीए बीएससी बीकॉम का, उसमें हजारों लाखों छात्र जो है फेल हुए हैं। उनमें जो ईवीएस में छात्र फेल हुए हैं 2013 से लेकर के अभी तक प्रदेश के 144 में से किसी भी कॉलेजेस में ईवीएस का जो है सब्जेक्ट जो है इंडल्ज है, लेकिन टीचर्स नहीं है। तो हमने डिमांड करी है कि इनको जो है प्रमोट किया जाए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी या प्रदेश सरकार 2013 से लेकर के 2022 तक इतने लंबे टाइम पीरियड तक जो है इंटीरियर एरिया या प्रदेश के जो है राजधानी के साथ लगते हुए कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी अगर आप टीचर तक मुहैया नहीं करवा पा रहे हो तो आप किस हिसाब से जो है बात कर रहे हो कि आपकी एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पावर होगी। इसके अलावा हमने बात की है कि बहुत सारी दिक्कतें आई हुई हैं यूजी एग्जाम्स में, जैसे जो इन्होंने पेपर चेकिंग करवाई थी वो सारे ठेके के तहत करवाई है। तो बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्वायरीज हैं, और हमने डिमांड करी है कि जो बच्चे पास पाए जाते हैं रिवेल्युएशन में उनकी फीस को रिफंड किया जाए, क्योंकि अगर आप पास कर रहे हैं उन बच्चों को तो उनकी कोई गलती नहीं है। बच्चे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनकी जो प्लस टू में उससे पहले की परीक्षाओं में 90-95% के आसपास के मार्क्स थे, लेकिन कॉलेज के एग्जाम्स में उनको जो है फेल कर दिया गया है।